अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक कवर किए थे। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में जो इसके बाकी पार्ट्स बच गए थे हम वो कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर जो 7 है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर एक्स माइनस 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है उस टर्म से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट, यहाँ पर है माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पर आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 2। यानी कि जिसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा हम उसको क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से ही डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पर आता माइनस और यहाँ पे भी आता माइनस। तो इसको स्टूडेंट्स मैं मजीद सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस 2, यहाँ पे है 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है, इसको ऐसे में लिखता हूँ। पहले हम इसको स्टेप कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 2। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, a माइनस b और a प्लस b। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमारे पास सेम हो और मिड में हमारे पास यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस हो, यानी अगर हमारे पास इस तरह हो a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b, तो इक्वल हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्केयर। यानी ये फार्मूला ओपन है, इसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए का स्केयर, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पर स्केयर रूट एक्स, इसका आ जाएगा स्केयर, मिड में क्या आएगा माइनस बी स्केयर, बी की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास है यहाँ पर स्केयर रूट 2, तो इसका भी आ जाएगा स्केयर ओवर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x, यहाँ पर आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 2, यहाँ पर है 2, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 2। तो देखिए स्टूडेंट, ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 2। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिमिट को पुट कर देंगे, यानी कि x अप्रोचेस 2 है, यहाँ पर x आएगा, वहां पे हम क्या लिखेंगे 2 को लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x की जगह पे अभी हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट, इसके हमारे पास जो डिग्री है वो 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, यानी यहाँ पर भी इसका डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इनको हम ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 1 हमारे पास होता है 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने किसको रेशनलाइज करना है, जिसके ऊपर हमारे स्क्वायर रूट है, हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसी से ही डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हम इसको क्लोज करके लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ गया टू ओवर, यहाँ पे एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू, ये एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल आउट, तो यहाँ पर ऊपर बच गया 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। ये एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के। अभी हम 2 को पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, इसकी डिग्री आ जाएगी और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये था इसका पार्ट नंबर 7 और अभी हम इसका करते हैं पार्ट नंबर
एट करते हैं पार्ट नंबर एट। तो हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है x प्लस एच स्केयर रूट है इसका, माइनस x है इसका स्केयर रूट है ओवर h है। अभी हम इसके साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस एच, यहाँ पे है माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे भी आ जाएगा स्केयर रूट x ओवर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस एच तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस x। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू यहाँ पर है जीरो, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस एच, यहाँ पे है माइनस x मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास है x प्लस एच और यहाँ पर हमारे पास है प्लस x ओवर, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है h, यहाँ पे है x प्लस एच, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखें यहाँ पे है a माइनस बी और यहाँ पे है a प्लस बी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, जैसा कि इसका पार्ट नंबर 7 में मैंने फार्मूला लिखा था a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अभी हम इसको क्लोज करके लिखेंगे, a की जो मेरे पास यहाँ पे टर्म है वो है x प्लस x स्क्वायर रूट और b की जो मेरे पास टर्म है वो है x। अभी स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं लिमिट x h अप्रोचेस टू यहाँ पे है जीरो, तो यहाँ पे a का स्केयर आएगा, a की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे x प्लस एच, इसका है स्केयर रूट, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्केयर, यहाँ पे है माइनस आएगा क्योंकि a स्केयर माइनस b स्केयर है, a का स्केयर लिख दिया मैंने माइनस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा b का स्केयर और b की वैल्यू मेरे पास है स्केयर रूट x ओवर, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वैसे ही हम इसको लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एच, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको हम मजीद यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स ये स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू यहाँ पे आ जाएगा जीरो, तो वो स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस एच। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, यहाँ पे एक्स प्लस एच आ गया, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एच मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस एच, इसका है स्केयर रूट, यहाँ पे है प्लस तो इसका भी है एक्स स्केयर रूट। तो देखिए स्टूडेंट ये है प्लस एक्स, ये है माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा h ओवर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा h, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस एच स्केयर रूट, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x, इसका है स्केयर रूट, ये h से h भी कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू यहाँ पे है जीरो, यहाँ पर आ जाएगा वन ओवर, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एच, इसका है स्केयर रूट, यहाँ पे आ जाएगा स्केयर रूट x। तो अभी स्टूडेंट्स हम सिंपल क्या करेंगे, h की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, h किसके इक्वल है जीरो के, अभी हम इसकी लिमिट को पुट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वन ओवर, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस जीरो, यानी कि अभी h की जगह पे अभी हम क्या लिखेंगे जीरो, क्योंकि h अप्रोचेस टू जीरो है, h की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है जीरो के, अभी मैंने यहाँ पे लिमिट को पुट कर दिया, यहाँ पे आ गया x प्लस h की जगह पे लिखा जीरो, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा x ओवर h a x प्लस जीरो, यहाँ पे x ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो देखें इसकी भी यहाँ पे डिग्री वन है, इसकी भी डिग्री वन है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा वन ओवर, यहाँ पे आ जाएगा टू, यहाँ पे आ जाएगा स्केयर रूट, सॉरी यहाँ पे h आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी डिग्री वन है, इसकी भी डिग्री वन है, ये हमारे पास आ जाएगा टू, तो ये स्केयर रूट के अंदर जो हमारी टर्म है वो है x, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम एक ही तरीके से हमने इनको करना है। तो पहले सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ a माइनस बी,
ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिखा, उसके बाद जो चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है उसका कैंसिल आउट किया, तो लिमिट को पुट किया, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट ये था इसका पार्ट नंबर 8, और अभी हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 9। इसका करते हैं पार्ट नंबर 9। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 को सोल्व करने से पहले आप ये एक थ्योरम समझ लें तो आपको इजीली समझ आएगी कि ये पार्ट नंबर 9 किस तरह करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपने नहीं छोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम लेफ्ट साइड को लेंगे और ये प्रूव करेंगे ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है एक्स की पावर है एन, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए की पावर है यहाँ पर एन। तो स्टूडेंट्स अगर आपने बाइलिंगुअल थ्योरम पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में तो आप इसको इजीली समझ सकेंगे। तो एक्स की पावर है एन माइनस ए की पावर है एन, अभी हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे बाइलिंगुअल थ्योरम। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स की पावर क्या आएगी स्टूडेंट्स एन माइनस वन और ए की पावर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी जीरो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, एन की पावर हमारे पास आ जाएगी माइनस टू और ए की पावर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी वन, यानी कि इसकी पावर को हम कम करते जाएंगे और इसकी पावर को हम क्या करते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस, एक्स की पावर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी एन माइनस थ्री, तो यहाँ पर ए की पावर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा टू। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम चलते जाएंगे, यानी कि एक टाइम इस तरह का आएगा सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए की पावर आ जाएगी वो आ जाएगी एन माइनस वन, यानी कि अगर हम इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास हम इसको सोल्व करते जाएंगे इस तरह, पावर इसकी कम करते जाएंगे इसकी बढ़ाते जाएंगे, तो एक टाइम इस तरह का आएगा कि हमारे पास जो लास्ट में आएगा वो आएगा ए की पावर एन माइनस वन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये मैंने अप्लाई किया है इस पर बाइनोमियल थ्योरम, ठीक हो गया ओवर। तो स्टूडेंट्स ये मैंने बाइनोमियल थ्योरम लगाया, इसके ओवर क्या है यहाँ पर है x माइनस ए, तो इसके नीचे भी हम क्या लगा देंगे x माइनस ए, यानी कि इस पे मैंने बाइनोमियल थ्योरम लगाया, ये मेरे पास आ गया ओवर, यहाँ पर है x माइनस ए, यानी कि इसके नीचे मैंने लगा दिया x माइनस ए और इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है x अप्रोचेस टू ए, ये x माइनस ए से ये x माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, यानी कि इसको मैंने ओवर लिखा ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर हमारे पास जो x अप्रोचेस टू a है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लिमिट को क्या कर देंगे पुट कर देंगे, वो हमारे पास क्या है x अप्रोचेस टू a। अभी देखें यहाँ पर है x, तो अभी इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे a लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a, इसकी पावर है n माइनस वन और a की पावर जीरो किसके इक्वल होता है, a की पावर जीरो इक्वल हमारे पास होता है वन के, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वन, मल्टीप्लाई करेंगे वन ही आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a, यहाँ पर n माइनस टू और a की पावर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी वन, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x की पावर, x की जगह पे अभी हम लिखेंगे a, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a n माइनस थ्री और a की पावर स्टूडेंट यहाँ पर है टू। तो इसी तरह सो ऑन हम चलते जाएंगे, तो a की पावर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगी n माइनस वन। अभी मैं इसको मजीद सॉल्व करता हूँ, देखें यहाँ पर है a की पावर है n माइनस वन, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ए एन माइनस टू बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी, यहाँ पर माइनस टू प्लस वन किसके इक्वल आ जाएगा ए की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे एन माइनस वन, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे बेस सेम है पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, यहाँ पे माइनस थ्री प्लस टू किसके इक्वल आ जाएगा ए की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास एन माइनस वन, तो सो ऑन, तो ए की पावर क्या है हमारे पास है एन माइनस वन। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका भी यहाँ पे क्वेश्चन वन है, इसका भी वन है, इसका भी वन है, तो इसका भी वन है, अभी सो ऑन पता नहीं कहाँ तक ये वैल्यू जाती है, यहाँ पे एन वन प्लस वन आता जाएगा, तो हम इसको क्या किसका नाम देते हैं एन का, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पे एन, यानी कि वन प्लस वन पता नहीं कहाँ तक जाते हैं, तो इसको हमने क्या लिखा यहाँ पे एन और ए की पावर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है एन माइनस वन, यानी कि इसको मैंने वन प्लस वन को नंबर क्या नाम दे दिया मैंने ए का, सपोज कर लिए एन है, एन कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर आ सकता है, यहाँ पे 5, 7, 6, 10, 20 कोई भी नंबर आ सकता है, तो मैंने इसको सपोज कर लिया ये एक नंबर है, इसको एन से मैंने इसको शो किया, तो ये हमारे पास ये प्रूव हो गया हमारे पास जो लेफ्ट साइड है ये किसके इक्वल है राइट साइड के। तो ये आपने माइंड में रखना है, इसी की बेस पे मैं क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर 9 है इसको मैं सोल्व करूंगा। तो अभी हम करते हैं इसका, ये आप नोट कर लें, इसको आप समझ लें इजी, उसके बाद हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 9। इसका करते हैं पार्ट नंबर 9।
तो पार्ट नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स जो मैंने आपको एक थ्योरम समझाया है वो आपने माइंड में रखना है, उसको ही बेस बनाते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम गौर करें यहाँ पर हमारे पास है x की पावर n माइनस a की पावर n, यहाँ पे x की पावर n माइनस a की पावर n है, ठीक हो गया। अगर अगर इसके मैं डिनोमिनेटर में x माइनस a लिखता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये जो थ्योरम है जो हमने प्रूव किया था ये आ जाएगा n a a की पावर n माइनस 1, हम इसको लिख सकते हैं अगर इसके ओवर x माइनस a आ जाए। अभी देखें इसके भी मैं नीचे x माइनस a लिख देता हूँ, इसके भी नीचे x माइनस a लिख देता हूँ, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x अप्रोचेस टू a, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर, यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस a, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में भी x माइनस a लिखेंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या लिखेंगे x माइनस a लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की पावर यहाँ पे है m माइनस a की पावर यहाँ पर है m ओवर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस a, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी हमारे पास जो थ्योरम था वो x अप्रोचेस टू a था, और यहाँ पे भी हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन है वो x किसके इक्वल है a के, यानी कि देखें ये मेरे पास सेम वही जो क्वेश्चन बन गया जो मैंने समझाया था और ये नीचे बन गया। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ऊपर वाले को, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n a की पावर n माइनस 1, ठीक हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो मेरे पास यहाँ तक ये एक क्वेश्चन है इसको मैं लिख सकता हूँ n a n की पावर माइनस 1, जैसा कि मैंने प्रूव भी किया था इसको, और ये है नीचे ओवर, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे m a की पावर m माइनस 1, यानी यहाँ पे इसकी पावर n यूज हो रही है तो यहाँ पे भी मैं n लिखूंगा और यहाँ पे भी मैं n लिखूंगा, और यहाँ पे इसकी पावर n यूज हो रही है तो यहाँ पे मैं m लिखूंगा और इसकी पावर में भी m लिखूंगा। तो देखें स्टूडेंट्स इसकी बेस सेम है, यहाँ पे a है यहाँ पे भी a है, हम इसकी जो पावर है हम इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, यानी कि इसको हम लिखेंगे n ओवर m, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि n ओवर m, और जो हमारी जो पावर है वो है हमारे पास a, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1 इसकी पावर को मैं उठा के ऊपर ले जाता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस m और प्लस 1, ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n ओवर m, और जो a की पावर है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगा n माइनस m, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आपने माइंड में क्या रखना है, सबसे पहले आपने जो प्रूव किया है आप इसको प्रूव ना भी करें क्वेश्चन में, यानी कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बेशक प्रूव ना करें, बस ये अपने माइंड में रखना है कि ये इसके इक्वल होता है, और मैंने प्रूव भी किया था, आप भी एक दो दफा इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये याद हो जाएगा, उसके बाद हम इसी की बेस पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 थे जो हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके पार्ट 1 से पार्ट 6 तक कवर किए थे। सबसे पहले आप पार्ट 1 से पार्ट 6 तक जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व करें, उसके बाद ये 3 पार्ट्स आप सॉल्व करें तो आपको इजीली समझ आएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।